केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो गरीबों के उत्थान पर केंद्रित है। ये बजट युवाओं पर केंद्रित है। 4 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए 2 लाख करोड़ का इस बजट में प्रावधान किया है। किसानों के लिए भी इस बजट में प्रावधान है। मातृशक्ति के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। हम एक शक्तिशाली आर्थिक राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसी पर केंद्रित ये बजट है। विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी 2014 से लगातार 10 वर्षों तक काम कर रहे हैं और हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि भारत की 140 करोड़ जनता ने उसको प्रभावित होकर नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना प्यार और आशीर्वाद दिया और उसी का परिणाम है कि तीसरी बार सरकार बनाने का अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला और हमारा जो अभी बजट सत्र चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है ये बजट गरीब पर केंद्रित है, गरीबों के उत्थान पर केंद्रित है। जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में चाहे वो पानी है, घर है, उसके शौचालय हैं, उसके भोजन की व्यवस्था है, हर गरीब कहीं ना किसी के आगे हाथ ना फैलाए, स्वयं में आत्मनिर्भर बने, उसका जीवन स्तर अपग्रेड हो, उसी पर काम करने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो किया है उस पर और बजट का प्रोविजन करके उनके जीवन स्तर को और बढ़िया बनाने का काम प्रधानमंत्री जी के इस बजट में है। युवाओं पर केंद्रित है। 4 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए 2 लाख करोड़ का इस बजट में प्रोविजन किया है जिसमें रोजगार, कौशल विकास, प्रशिक्षण और अपनी इंडस्ट्री के लिए भी उसमें पैकेज में दिया गया है। अन्नदाता किसानों के लिए भी ये बजट में प्रोविजन किया गया है। जिस प्रकार से किसान पर केंद्रित करके प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में कि किसानों को मजबूत करने के लिए चाहे वो विशेष रूप से उनकी आय दुगनी हो उसी दिशा को और उनका जीवन स्तर में और सुधार आए और किसान और अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए किसानी करे और अच्छा काम कर पाए। ऐसी मातृशक्ति जो देश की आधी आबादी है उन मातृशक्ति के लिए भी इस विशेष प्रोविजन किया गया है। मातृशक्ति भी स्वावलंबन बने इस बजट में उनकी भी व्यवस्था मातृशक्ति की गई है। इसलिए मैं कह सकता हूँ जिस प्रकार से पूरे देश दुनिया के अंदर भारत का स्वाभिमान गौरव बढ़ा है, हम एक शक्तिशाली आर्थिक राष्ट्र बनने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी पर केंद्रित ये बजट है।